Assalamu alaikum. Welcome back to Sultan Food Station. How are you guys? I hope so you are all good. Today I am going to make Shahi Matanjan, जिसको sweet rice भी कहते हैं. जिसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैंने ये 3 कप राइस लिए हैं, जो कि छोटा कप होता है, मेजरिंग कप होता है जो, वो मैंने 3 कप ये राइस भिगो के रखे हुए हैं, घंटा हो गया इसको. उसके साथ मैंने शुगर 3 कप ली है. मैं क्योंकि वो ब्राउन शुगर यूज़ करूँगी इसलिए वो थोड़ी कम मीठी होती है, इसलिए मैं पूरा जितने राइस है उतनी शुगर डालूँगी. उसके साथ ऑयल है मेरे पास 3/4 कप, आलमंड 1 कप, रेजन 1 कप एंड ड्राइड डेट है जो मेरे पास वो 1/2 कप है. टूटी फ्रूटी 1 कप है जो कि 2 कलर में है, रेड और ग्रीन कलर में है. उसके साथ खोया 1 कप कलर है जिसमें रेड येलो एंड ग्रीन है. 6 ग्रीन कार्डिमम एंड पिंच ऑफ मेरे पास सॉफ्रन है. मेरा पानी जो है बॉयल हो गया है, उसमें मैंने 3-4 लौंगे डाल के तो पानी बॉयल कर लिया है. अब मैं ये राइस उसके अंदर डालने लगी हूँ. पानी उबल गया था और मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं. अब इसको राइस को मैं जो है कुक करती हूँ. इसको ऑलमोस्ट जो है फुल्ली कुक करते हैं, क्योंकि फिर जब इसको शुगर के शीरे में डालते हैं तो ये फिर थोड़े से सख्त हो जाते हैं. तो आगे आप मेरे साथ रहिए और अगला स्टेप देखिए. मेरे चावल बॉयल हो गए हैं. अब ये देखिए मैंने 1/2 कप पानी डालने लगी हूँ. ये मैंने 1/2 कप पानी डाला और उसके अंदर ये मैं शुगर डालने लगी हूँ. हमारी चाशनी जो है ये रेडी हो रही है. और आपको पता होगा कि मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है, इसलिए मैं इसको ये स्ट्रेनर की मदद से इसके ऊपर से ये उतार रही हूँ. ये जो जाग सी आ रही है ना, मैंने वाइट शुगर नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मैं घर में जो है ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ. वाइट शुगर आपको पता ही है कि जो है नहीं अच्छी होती, इसलिए ये ऊपर से थोड़ा छल्ली कर लें तो, या ऊपर से जो भी ये आए ना ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा सा झाग सी आए ये इसकी, तो वो उतार लेनी चाहिए जी. अब जो ये स्टेज है इसके ऊपर ये मैंने आपको 1/2 कप ऑयल का बताया था, ये अब मैं डालने लगी हूँ. इसको डाल के फिर थोड़ी देर बनाते हैं. जब ये इसको ऐसे करेंगे तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी, या जब इसका वो इसके अंदर लम्स सा पैदा हो जाए कि वो तार सी बन जाए इसकी, तो फिर राइस डालते हैं इसके अंदर. कार्डिमम जो मेरे पास है, ग्रीन इलायची है, ये मैं डाल रही हूँ. इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए आप भी ज़रूर यूज़ किया करें. और आपको पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं स्वीट राइस होते हैं, इसमें तो जो ड्राई फ्रूट होता है वो तो हर नवाले के साथ आए तो वही मज़ा आता है. और मुझे तो वैसे अच्छा लगता है कि मैं तो ज़्यादा इसीलिए डालती हूँ. ये देखिए ये अब हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाला ही है. ये जो चाशनी रेडी हो रही है, ये देखिए हमारी जो है ये 1 तार का शीरा जो है रेडी हो गया, चाशनी जिसको कहते हैं हम लोग. अब इसमें मैं ये बॉइल्ड राइस जो है ये डालती हूँ, आपके सामने डालती हूँ. ये जो मेरे पास आलमंड पड़े हुए थे इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, और ये आपको नजर आ रहे होंगे कि अब मैंने इनका छिलका उतार लिया है. अब ये मैं 1/2 इसके अंदर डालूंगी और 1/2 फिर ऊपर गार्निश करने के लिए रख लूंगी. और बाकी ड्राई फ्रूट जो है वो दम के वक्त डालते हैं. अब टाइम आ गया कि हम अपने कलर रेडी कर लें. ये देखें, ये मैंने स्पून के आगे वाले थोड़ा छोटा सा जो जगह होती है उसके लिए साथ लिया, ये जो है रेड कलर लिया है. ये मैं थोड़ा मिक्स करती हूँ इसमें. ये थोड़ा सा पानी लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा. और अब दूसरे में ये जो है ग्रीन कलर करती हूँ. ये भी आपको नज़र आ रहा होगा. और अब तीसरा जो है ये जो हमारी छोटी सी बाउल है हमारा, इसमें ये जर्दे का रंग में डालने लगी हूँ ये वाला. ये भी आपको नज़र आ रहा होगा. और अब ये जो चौथा है इसमें मैंने थोड़ा सा, ये जो चौथे वाला है इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था दूध डाला था, क्योंकि जर्दी के जो होते हैं 2 कलर होते हैं, एक पानी वाला होता है और एक दूध वाला होता है, वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा. अब इस दूध में मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और फिर ये जब दम लगाऊंगी तो ऊपर मैं आपके सामने डालूंगी. अब इसको मिक्स कर लेते हैं. अब जो है मेरे राइस की जो दम लगाने वाली कंडीशन है इस पर आ गए हैं वो,
आप सोच रहे होंगे कि ये ज्यादा व्हाइट नहीं नजर आ रहे, तो आपको भी पता है कि मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया है, इसलिए इनका कलर उस तरह का व्हाइट नहीं होना था, क्योंकि मैं यूज ही ब्राउन शुगर करती हूँ घर में, तो इसलिए इनका ये कलर है। अब चलें, अब हम दूसरी चीजें ऐड करते हैं आपके सामने। देखिए मैंने अपने जो है कलर जो है मिक्स कर लिए हैं, अब मैं कलर डालने लगी हूँ ऊपर। ये बस इसका ये होता है मतंजन जो होता है, इसका कलर डालने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह इक्वल सा कलर हो और फिर जो है वो अच्छे लगते हैं। ये रेनबो की स्टाइल में जो है ना मैंने कलर डाले हैं, ये अब जब हम दम खोलेंगे तो ये फिर बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालने लगी हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पिंच ऑफ सैफरॉन है, ये मैं ऐसे करके डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी ऐसी खुशबू आए, अरोमा अच्छा सा उठे, जैसे कि देगी मतंजन होता है, ये उस स्टाइल का मतंजन है। इसका नाम भी तो शाही मतंजन है ना, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा से ड्राई फ्रूट जाएंगे और ज़्यादा सा खोया जाएगा। ये देखिए, अब मैंने ड्राई जो मेरे पास थी डेट थी, उसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, अब उसको काट के मैंने रख लिया है। अब ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, धो के रखी है, ये डाल रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि अब दम पे लगा रहे हैं। ये आपके सामने है, ये जो टूटी फ्रूटी है, ये मैंने जो है ये डाल रही हूँ। इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं लेके आती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी हलाल लिखा होता है। और ये जो है अपने स्टोर है, हमारे जो है एशियन स्टोर है, इधर से मिल जाती है, ये देसी स्टोर वगैरह जो होते हैं इजीली, और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इस ये वाला जो मुरब्बा है मैंने ये डाली है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना ये नहीं है कि मैंने कोई कमर्शियल नहीं कर रही। ये देखे ना, ये हलाल भी लिखा हुआ है, मैंने ये दो कलर की डाली है। अब ये देखें कैसा, कितने खूबसूरत से राइस लग रहे हैं। अब ये मैंने जो काट के रखा था अपने पास खोया, ये अब मैं वो डालने लगी हूँ इसके ऊपर। ये मैंने काटा था, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं हाथों से इसको जो है मैश कर लेती हूँ, क्योंकि खोएगा तो असली फार्म वही होती है जो हाथों से ऐसे थोड़ा बुरबुरा सा बना हुआ हो। अब मैं ये डालने लगी हूँ, फिर ऊपर से मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं, वो डालती हूँ। और ये आपके देख के तो आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा, क्योंकि इसका नाम भी शाही मतंजन है, देगी शाही मतंजन है। और ये तो फिर जिसके साथ शाही लगे फिर वो तो चीज़ें भी ज़्यादा मांगता है, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें डले तो फिर ही वो शाही बनता है ना, और मज़े का बनता है। मैंने ये अपना दस्तरखान थोड़ा गीला किया है, अब मैं इसका ऊपर दम रखने लगी हूँ। आप राइस को देख लिया करिए, अगर आपकी राइस ज़्यादा थोड़े सख्त हैं तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा देर दम लगा लें, वरना ये 20-30 मिनट बिटवीन दम आ जाता है इस मीठे राइस को जो होते हैं, ये जरदा या मतंजन हो जो भी हो। अब हम अपना करते हैं स्टोव बंद और अब खोलते हैं दम, और माशाल्लाह ये देखें ये कितने मज़े के जो है हमारे राइस बने हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब दम आ गया, ये तकरीबन 20 मिनट मैंने रखा है, ये राइस जो है डिश आउट कर लिए हैं आपके सामने है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े का कलर जो है परफेक्ट मिक्स हुआ है। और आप भी इसी तरह जिस तरह मैंने कलर डाला था इसी तरह डाला करें, और ये परफेक्ट देगी मतंजन बना है, शाही देगी मतंजन, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट और खोया सारा कुछ डला है, क्योंकि हर नवाले के अंदर ड्राई फ्रूट आए तो वो उसी का मज़ा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपका कैसा बना है। और आप इसी तरह परफेक्ट मेरे अगर स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करेंगे तो फिर इसी तरह परफेक्ट बनेगा आपका भी मतंजन, और आपकी हर रेसिपी जो है परफेक्ट ही बनेगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर। न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उन तक पहुंचे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।